मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं छोटा, अरे राम 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 राम। एक सज्जन ने हमको प्रश्न, अभी हम गए थे अपने कुंभ मेला में, स्वामी जी भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। क्यों लो, मत लो? बोले आप बड़े विचित्र है। हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, वैसे ही है। फिर हमने उनको पूछा, मुझे बताओ खाना तुम खाते हो तो उसका लाभ किसको होता है, खाने को कि तुमको? तुमको होता है ना। तुम सोते हो तो उसका लाभ किसको होता है, तुमको कि पब्लिक को? तुमको होता है। इसी प्रकार से तुम यदि भगवान का नाम लो तो तुमको लाभ होगा, भगवान को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बातें केवल समझने की है संतों। एक जगह एक जवान लड़का आपके जैसा ही, उसने मुझे पूछा, स्वामी जी भगवान यदि इतने सर्वशक्तिमान है तो अपने मंदिरों की रक्षा स्वयं क्यों नहीं करते? हमने कहा महात्मा जी कौन से भगवान ने आपको बताया मेरा मंदिर बना? ये तो आपकी खुजली है कि आप मंदिर बनाते हो। यदि आपने मंदिर बनाया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी रक्षा करो। भगवान का मंदिर भगवान के लिए नहीं होता संतो, भगवान का मंदिर अपने लिए होता है, भगवान के लिए नहीं होता। जैसे जैसे आपके विचार स्पष्ट हो जाएंगे जीवन इतना सहज चलेगा, और जीवन में जितनी सहजता होती है उतने हम प्रभु के पास है। जितना जीवन में प्रयत्न ज्यादा है उतना हम प्रभु से दूर है। देखो जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे सुनते हैं तो जो ऊंचे सुनने वाला है उसको बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, क्या बोल रहे क्या बोल रहे क्या बोल रहे, और 5-7 मिनट के बाद थक गए। फिर थकने के बाद स्विच ऑफ, बढ़िया सो गए। लेक्चर खत्म होने के बाद वो आदमी पहले आके कहता है, स्वामी जी यू वर ऑसम, ओहो आपका लेक्चर बहुत बढ़िया था। क्यों? कि वो छुपाना चाहता है कि वो सो गया, लेकिन मुझे यहां से जो दिखता है आपको वहां से नहीं दिखता। अच्छा वो क्यों सो गया? क्योंकि वो थक गया था। जहां जहां जीवन में प्रयत्न है थकावट है वहां ईगो है, जहां जीवन में प्रयत्न नहीं थकावट नहीं वहां परमात्मा। देखो हम लोग रामदेव बाबा के मारे हैं तो प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करना माने क्या? सांस लेना। 3 प्रकार के विद्यार्थियों को 3 प्रकार के टीचर ने पनिशमेंट दी। एक विद्यार्थी था मिलिट्री का जवान, उसने गलती करी तो सूबेदार मेजर साहब ने पनिशमेंट दी, हैवर सैक रखो पीठ पर, राइफल को ऊपर उठाओ और परेड ग्राउंड की 21 चक्कर लगाओ, पनिशमेंट। दूसरा विद्यार्थी स्कूल का था संस्कृत वाला, उसने गलती करी, टीचर ने पनिशमेंट दी, भगवद गीता के 15वें अध्याय को 21 बार लिख के निकालो, पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तीसरा योगा का स्टूडेंट था तो योगा के टीचर ने पनिशमेंट दी, 21,000 बार अनुलोम विलोम करो। 21,000 बार नाक टूट जाएगा। फिर अच्छा कोई बात नहीं 2100 बार, नहीं वो भी बहुत हो जाता है 2100 बार, फिर कितना 21 बार, अच्छा कर लेते हैं और शुरू कर दिया हवा भरना हवा छोड़ना हवा भरना हवा। हमको हमेशा यही परेशानी होती है किधर से खींचा किधर से छोड़ा, याद ही नहीं रहता, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो उसको जब बताया ठीक है 21 बार भरो हवा, तो जब वो 21 बार करने गया 5-6 बार होने के बाद अच्छा छोड़ दो बंद कर दो, हो गई पनिशमेंट। अब ध्यान से सुनना, 21 बार या ज्यादा बार प्राणायाम करने को लगाया तो आप थक जाते हो ना। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है क्या कि मैं बचपन से सांस ले रहा हूं अब मैं थक गया, अब मैं नहीं थक गया? क्यों? कि सांस लेने में मैं नहीं होता कि मैं सांस ले रहा हूं।
वहां प्रयत्न नहीं होते। पतंजलि महर्षि सेज प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जितना जीवन आपका सहज होगा, जितने प्रयत्न कम होंगे अनंत समापत्तिभ्याम, उतने आप प्रभु के पास हो। और जैसे अभी हम वहां वीफास में रहते हैं, बाहर में ही वो लाउड स्पीकर से चल रहा है, तो बिना कुछ किए हमको वहां का सब सुनने को मिलता है। इसी प्रकार से जितना जीवन हमारा प्रयत्न से रहित होगा, उतने हम प्रभु के पास है। जहां प्रयत्न नहीं वो पड़ोसी कन्हैया है, जहां प्रयत्न है वहां केवल दुख ही दुख है। देखो महाराज, इसीलिए अपने आप को बदलना माने जीवन इतना सहज होवे, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, जो जैसा है वैसा स्वीकार कर ले। दुनिया बहुत बढ़िया है। कबीर जी जो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। जहां हमको बुराई देखने को मिलती है, समथिंग इज रॉन्ग विद अस। फिर एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था बड़ा ज्ञान, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। तेरा मुंह काला नहीं, अपनी नजर टेस्ट करा दे, दुनिया बहुत बढ़िया है। तो जैसे जैसे आप सहज हो जाओगे, सभी का सभी ज्ञान आनंद खुशी अपने आप प्रकट होने लगेगी। और जितने आप सहज हो जाओगे उतना जीवन आनंदमय है। कोई प्रयत्न